किसान भाइयों, स्क्रीन पे आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं ग्राफ्टेड टमाटर की खेती की A to Z जानकारी। इसी के साथ साथ नीचे एक लाइन और लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है ग्राफ्टेड टमाटर की खेती में 1 एकड़ में 1,06,940 रुपया खर्च। जी हाँ, आज का वीडियो का यही टॉपिक है कि ग्राफ्टेड टमाटर की खेती आप कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को देख के आप आसानी से बहुत ही ग्राफ्टेड टमाटर खेती कर सकते हैं तथा जो किसान भाई ग्राफ्टेड टमाटर खेती करना चाह रहे हैं और उनके दिमाग में है कि हम अगर ग्राफ्टेड टमाटर खेती करते हैं तो 1 एकड़ में कुल कितना खर्च होगा, तो इसी वीडियो में मैं आपको ग्राफ्टेड टमाटर की खेती भी सिखाऊंगा, साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि 1 एकड़ में कुल कितना खर्च होता है। किसान भाई, ग्राफ्टेड टमाटर की खेती को सीखने के लिए हम ग्राफ्टेड टमाटर की खेती की जानकारी को 10 चरणों में अर्थात 10 भागों में बांट दिए हैं, जिसमें जो पहला भाग जिसमें हम बात करें कि ग्राफ्टेड टमाटर खेती करने के लिए सबसे पहले आपको पौधे का ऑर्डर करना है, दूसरे नंबर में खेत का तैयारी एवं मेड़ का निर्माण, तीसरे नंबर पे जो हम खाद और उर्वरक जो उपयोग करते हैं उसका बेसल डोज हम किस प्रकार से देना है और कौन कौन सा बेसल डोज के रूप में हमको खाद और उर्वरक का प्रयोग करना है, चौथे नंबर पे हम क्या करेंगे ड्रिप को कैसे लगाना है और ड्रिप लगाने में कितना खर्च होता है, साथ ही साथ मल्चिंग कैसे लगाना है, मल्चिंग में कितना खर्च है। हर एक चीज़ में हम खर्च के बारे में वीडियो में अंत में आपको बता देंगे और बीच बीच में जिसका समय आएगा उसको भी हम आपको बताते रहेंगे। अब पाँचवा नंबर आता है, पाँचवा नंबर हमको क्या करना है पौधों को लगाना है, जिसमें जो हम पौधा हम ऑर्डर किए थे उसको मंगा के उसको हमको लगाना है। अब पौधा तो हम लगा लिए, अब शुरू होता है हमारा छठवां नंबर। छठवां नंबर पर हम क्या करेंगे फर्टिगेशन। फर्टिगेशन मतलब ड्रिप के माध्यम से हम कौन कौन सा पोषक तत्व, कौन कौन सा उर्वरक और कौन कौन सा जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसको चलाना है। ठीक, सातवें नंबर पर आते हैं तो सातवें नंबर पर हम बात करेंगे इंसेक्टीसाइड मतलब कीटनाशक का प्रयोग, आठवें नंबर पर बात करेंगे फफूंदनाशक का प्रयोग, नौवें नंबर पर बात करेंगे स्टेकिंग मतलब टमाटर जो ग्राफ्टेड टमाटर है, जैसे कि आप कई वीडियो में, कई न्यूज में, कई बुलेटिन में आप देखे हैं तथा पढ़े हैं कि एक टमाटर 30 से 40 किलो तक उत्पादन देता है अपने जीवन काल में, तो 30 से 40 किलो तो वो साधारण स्टेकिंग में तो देगा नहीं, इसलिए हमको बहुत ही तगड़ा और मजबूत तरह से हमको झाकी तथा स्टेकिंग तैयार करना रहता है। जैसे कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि स्टेकिंग लगा हुआ है, बड़ा बड़ा खूंटा लगा हुआ है, तो इसमें कैसे लगाना है इसको और इसमें कितना खर्च होता है। अंत में हम 10वें नंबर पर बात करेंगे ग्राफ्टेड टमाटर की खेती में जब हम शुरू से मतलब पौधा लगाने से लेकर अंतिम तक हार्वेस्टिंग होने से पहले तक कहाँ कहाँ हम कितना लेबर लगाए हैं और लेबर में कुल कितना खर्च हुआ है तथा साथ ही साथ वीडियो के अंत में आपको ये बता देंगे कि ग्राफ्टेड टमाटर की खेती में जो हम 1,06,940 रुपया खर्च बताए हैं इसको कहाँ कहाँ खर्च हुआ है और किस प्रकार हम इसको खर्च किए हैं। किसान भैया, चलिए हम एक एक टॉपिक के बारे में आपको धीरे धीरे समझाते जाएंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है पौधे का ऑर्डर। पौधे का ऑर्डर आप जब ग्राफ्टेड टमाटर की खेती करना चाहते हैं या तो जिस समय करना चाहते हैं, पौधा लगाना चाहते हैं, उसके जस्ट 60 दिन पहले आपको पौधे का ऑर्डर कर देना है। उदाहरण के लिए जैसे अगर 1 जुलाई को अभी बरसात में आप पौधा लगाना चाहते हैं तो आपको 1 मई को ऑर्डर कर देना है जो भी आपके आसपास नर्सरी है जहाँ पर ग्राफ्टेड टमाटर तैयार होता है, और उस समय आपको अपने अनुसार ही वैरायटी बता देना है, तो बीज खरीद के दे देना है और वो उसी का ग्राफ्टेड टमाटर का पौधा तैयार कर देंगे। जैसे कि मैं बरसात में जो टमाटर की खेती किया था उसका जो वैरायटी था नाथ सीड का अखंड 1912 और गर्मी में जो लगाया था वो हाइब्रिड सीड था रुक्मणी वैरायटी। आप अपने अनुसार जो भी वैरायटी चयन कर सकते हैं उसको चयन करके उसका खेती कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे खेत का तैयारी। खेत का तैयारी करने के लिए आपको क्या करना रहता है, अगर पहले से अगर मान लीजिए धान लगा है या तो कोई दूसरा फसल लगा है तो आप रोटावेटर से एक जुताई कर लीजिए, जिससे क्या होगा फसल उसे मिट्टी में मिल जाएगा। इसके बाद कल्टीवेटर से एक जुताई कीजिए, कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद फिर से एक बार रोटावेटर जुताई कर लीजिए, दो जुताई रोटावेटर से, एक जुताई कल्टीवेटर से। इसके बाद क्या करना है आपको मेड़ का दूरी रहेगा 4 फीट रहेगा एक कतार से दूसरे कतार का, और मेड़ तैयार करने के लिए आप लेबर से भी तैयार कर सकते हैं या तो ट्रैक्टर से भी तैयार कर सकते हैं आपके सुविधा अनुसार। इसमें भी लगभग आपको 2200 रुपये आसपास खर्च हो जाता है। किसान भाइयों, वीडियो तो अभी से शुरू होता है, आप अभी तक जो भी देखे हैं उसमें अभी सबसे मेन पॉइंट आता है क्योंकि यहीं से हम शुरू करेंगे आपका जानकारी का बात
क्योंकि पौधे आप ऑर्डर कर दिए, खेत तैयार कर लिए, तो बहुत ही सिंपल है, कोई भी किसान कर सकता है। लेकिन जो किसान पहली बार ग्राफ्टेड टमाटर खेती करना चाहता है तो यहीं से उसका जानकारी शुरू होता है। इसीलिए अगर चैनल में आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं तीसरे नंबर पर, जिसमें कि आपको हम बताने वाले हैं कि कौन कौन सा खाद और उर्वरक हमको बेसल डोज देना है। सबसे पहले हम आते हैं, देखिए FIM जिसको बोलते हैं हम, गोबर खाद, जिसको एक ट्रैक्टर आपको लेना है। और ध्यान ये रखना कि सड़ा हुआ खाद हो, मतलब एक साल का कम से कम होना चाहिए और बिल्कुल सड़ा हुआ। उसको क्या करना है, हमको खेत में जब हम जुताई करे थे, कल्टीवेटर जुताई हम जब कर लिए थे, तो कल्टीवेटर जुताई के बाद हमको इसको अच्छे से छिड़क देना है। और इसके साथ हमको देना है एक ट्रैक्टर पोल्ट्री फार्मिंग का जो खाद होता है, जो कि पोल्ट्री फार्मिंग से निकाला जाता है, पोल्ट्री का बीट और भूसा मिला रहता है, उसको देना। लेकिन वो भी सड़ा हुआ हो, कम से कम एक साल का हो और सड़ा हुआ हो। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि हमको करना है, तो आप लगभग 6 से 7 महीना पहले उसको ला के कहीं पर खेत में स्टोर कर दीजिए। मतलब एक ट्रैक्टर FIM गोबर की खाद, एक ट्रैक्टर पोल्ट्री का खाद दे दिए। दे के हम रोटावेटर से अंतिम जुताई करके रख दिए और मेड़ तैयार कर दिए। मेड़ जब तैयार करें तो क्या होगा कि खाद सभी आके उसी मेड़ में इकट्ठा हो जाता है, तो खाद एक जगह जाता है, ये तो बेनिफिट हो गया। इसके बाद देखिए आते हैं हम रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक में क्या करना है, DAP आपको लेना है 60 kg, 60 kg DAP लेना है, SSP लेना है 50 kg, MOP लेना है 30 kg, जिपमाइट लेना है 25 kg, कैल्शियम नाइट्रेट लेना है 2 kg, निमेटीसाइड जो कि निमेटेड को मारने के लिए रहता है, निमेटीकर्ब नाम से मार्केट में मिल जाएगा, निमेटीसाइड लेना है 1 kg, ब्लीचिंग पाउडर लेना है 5 kg। एक बार फिर से आपको बोल दे रहा हूँ, देखिए FIM लेना है आपको गोबर की खाद एक ट्रैक्टर, पोल्ट्री फार्मिंग का जो खाद होता है वो लेना है आपको एक ट्रैक्टर, DAP लेना है 60 kg, सुपर फास्फेट लेना है 50 kg, पोटास लेना है 30 kg, जिपमाइट जो होता है जिसमें कि कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर बोरान जिंक पाया जाता है उसको लेना है 25 kg, फिर आता है कैल्शियम नाइट्रेट को लेना है 2 kg, जो निमेटीकर्ब जो कि निमेटीसाइड होता है उसको लेना है 1 kg, और ब्लीचिंग पाउडर को लेना है 5 kg। सभी को क्या करना है, हमको जो FIM और पोल्ट्री फार्म तो पहले दे दिए, लेकिन इसके बाद जो हमारा बचता है DAP पोटास सुपर फास्फेट और जो कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, आपका ब्लीचिंग पाउडर हो गया, जिपमाइट हो गया, इसको अच्छे से मिला लेना है। मिला के हम जो नाली होता है, नाली में जो कूड़ बनाएंगे हम, उसी में हमको उसको धीरे धीरे पूरा डाल देना, मतलब समस्त खेत में उसको लाइन से दे देना है। ये हमारा हो गया बेसल डोज कंप्लीट। अब क्या करना है, हमको ड्रिप सेटिंग करना है। ड्रिप सेटिंग बहुत ही सिंपल है, ड्रिप तो आपका लगे रहता है। अब बात ये आता है कि पहले से अगर आपके पास ड्रिप है तब तो बहुत अच्छी बात है, आपका पैसा बच जाएगा। अगर आप शुरुआत करते हैं खेती तो आपको ड्रिप में ही लग जाएगा, आपका ड्रिप सेटिंग में आपका 30,000 लगेगा, और जो मल्चिंग बता रहा हूँ, मल्चिंग आपको एक एकड़ में 7,000 का मल्चिंग लगेगा, मतलब 37,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा लगेगा। अगर आप मल्चिंग को दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप महंगा मल्चिंग लीजिएगा, जिसमें 7 से 8,000 रुपये लगेगा, और सस्ता लेते हैं तो भी वो 5-6,000 में आपको आ जाता है, जो कि एक ही बार यूज कर सकते हैं। अब ड्रिप भी सेट हो गया, मल्चिंग भी सेट हो गया। अब मल्चिंग को क्या करना है, हमको जहाँ जहाँ पौधा लगाना है उसको छेद कर देना है। जैसे कि जो कतार से कतार है वो हम 4 फीट रखे हैं, लेकिन पौधा से पौधा हम क्या रखेंगे, 2 फीट। तो 2 फीट के अंतराल पे जहाँ पर ड्रिप का छेद होगा वहाँ पर हमको छेद कर लेना है, और उसी जगह पर हमें पौधा लगाना है। पौधा हमको कब लगाना है, देखिए अब आते हैं पौधा लगाने के बारे में। तो पौधा आपका लगेगा 1 एकड़ में लगभग 3200 पौधा, ठीक। अब पौधा का जो रेट पड़ेगा, आप तो बीज खरीद के देंगे, लेकिन जो तैयार करके देंगे, एक पौधा का 10,000, मतलब 3200 पौधा का आपका लग जाएगा 32,000 रुपया। सबसे महंगा आपका पौधा ही पड़ जाता है। पौधा का रेट इसलिए इतना रहता है क्योंकि इसको उत्पादन ही बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, मतलब 32,000 का पौधा। पौधा को लगाना आपको शाम को, ध्यान रखिएगा, शाम के समय क्या रहता है कि टेम्परेचर कम रहता है, धूप का रोशनी यही रहता है, और रात भर में वो जड़ अपना फैला रहता है। पौधा आप शाम को लगा दीजिए, और लगाने के बाद आप ड्रिप से हल्का पानी सिंचाई कर दीजिए ताकि वो जड़ आसानी से पकड़ ले। ये तो हो गया, पौधा हमारा लग गया। अब आएंगे हम फर्टिगेशन में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जो नए किसान भाई है उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप डायरी में भी नोट कर सकते हैं। चलिए मैं पढ़ के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा चीज़ हम भूल जाते हैं एक चीज़ करके। ये पूरा शेड्यूल है, देखिएगा मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ठीक। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 15 दिन के बाद। देखिए जो फर्टिगेशन है, फर्टिगेशन का मतलब कि जो भी हम फर्टिलाइजर तथा पोषक तत्व देते हैं ड्रिप के माध्यम से, उसी को हम फर्टिगेशन कहते हैं, ठीक। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रोपाई के 15 दिन बाद। मैं जो चीज़ भी बताऊंगा कि रोपाई के दिन के बाद ही बताऊंगा कि रोपाई के 15 दिन बाद हमको क्या करना है। NPK 12 61 0
रोपाई के 15 दिन बाद एनपीके 12:61:0 2 किलोग्राम ड्रिप के माध्यम से चलाना है। ठीक, इसके बाद 16 दिन रोपाई के 16 दिन बाद एनपीके 19:19:19 1 केजी ड्रिप के माध्यम से चलाना, जो भी बता रहा हूँ सब ड्रिप के माध्यम से चलाना है, बार बार नहीं बताऊँगा। 17 दिन में क्या करना है, एनपीके 19:19:19 फिर से, मतलब 16 दिन में 19:19:19, 17 दिन में भी 19:19:19। 18 दिन में क्या करना है, ह्यूमिक एसिड आधा लीटर मतलब 500 ml ह्यूमिक एसिड को ड्रिप के माध्यम से चलाना है। फिर हम 4 दिन रेस्ट करते हैं, 22 दिन में आते हैं। 22 दिन में क्या करना है, एनपीके 12:61:0 को चलाना है। फिर 23 दिन में क्या करना है, एनपीके 19:19:19 को चलाना है 2 kg। ठीक, फिर 24 दिन में ह्यूमिक एसिड का डोज बढ़ा देना है, 1 लीटर देना है ड्रिप के माध्यम से। 29 दिन में क्या करना है, एनपीके 12:61:0 2 kg देना है। ठीक, 30 दिन में क्या करना है, एनपीके 19:19:19 1 kg देना है। ठीक, 31 दिन में क्या करना है, थायोन्यूट्रिस जिसमें कि सल्फर रहता है उसको देना है 1 kg ड्रिप के माध्यम से। ठीक, ये तो हो गया। आते हैं अब 36 दिन में, देखिए 36 दिन में रोपाई के 36 दिन बाद हमको क्या करना है, 12:61:0 को 2 kg देना है। 37 दिन में एनपीके 19:19:19 देना है 1 kg। ठीक, 38 दिन में क्या करना है, आयरन चिलेटेड जिंक जो चिलेटेड आयरन जो होता है, ठीक, जिसमें 12% आयरन पाया जाता है उसको 1 kg देना है ड्रिप के माध्यम से। ठीक, अब आते हैं हम 7 दिन बाद, जो कि मतलब 7 दिन गैप करके आते हैं कि रोपाई के 45 दिन बाद, जब हम रोपाई किए थे उसके 45 दिन आते हैं, एनपीके 052434। देखिए अब हम खाद बदल दिए हैं, एनपीके का जो रेशियो था उसको बदल दिए हैं, एनपीके 052434 2 kg ड्रिप के माध्यम से। 46 दिन में हम क्या करेंगे, रोपाई के 46 दिन बाद एनपीके 19:19:19 1 kg। आते हैं 50 दिन रोपाई के 50 दिन बाद हम क्या करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट 13:045 पोटेशियम नाइट्रेट जिसमें रहता है एनपीके का 13:045 2 kg चलाना है ड्रिप द्वारा। 52 दिन में क्या करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है किसान भाई, देखिए लगभग 50 से 52 दिन जब हो जाता है तो देखिएगा फूल आना शुरू हो जाता है, और इस समय हमको क्या करना है, टमाटर का जो पौधा उसका पॉजिटिव ग्रोथ को रोकना है, क्योंकि अब तक हम क्या किए हैं, हमेशा एनपीके का मात्रा को चलाते आए हैं 052434 12:61:0 तथा 19:19:19 तो लगातार चलाए हैं, तो पौधा अच्छे से ग्रोथ किया, ह्यूमिक एसिड ने पौधा बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ किया, और जो बेसल डोज था उसके द्वारा भी ग्रोथ किया, लेकिन ग्रोथ को अब हम रोकना है, ग्रोथ जब हम रोक लेंगे तो फूल ज़्यादा मात्रा में आएगा और फल भी ज़्यादा लगेगा। उसके लिए हमको क्या करना है, BSF कंपनी का लिहोसिन 250 ml प्रति एकड़ की दर से, मतलब 1 एकड़ में टमाटर लगाए तो 250 ml आपको ड्रिप के माध्यम से चलाना है। ठीक, ये तो हो गया 52 दिन का बाद। अब रोपाई के 55 दिन के बाद हमको क्या करना है, एनपीके 0050 सिर्फ इसमें पोटास रहेंगे, क्योंकि अब फल लगने वाला है, पोटास आप देंगे तो फल चमकदार भी होगा और बहुत ही स्वस्थ होगा और फल वजन में भी होगा। ठीक, उसको देना है 1 kg, ठीक, ड्रिप के माध्यम से देना है। अब 60 दिन में आ जाइए, 60वें दिन पे जबकि फल लगभग बड़ा होने को रहता है, उसमें आपको देना है वाइट पोटास 2 kg 1 एकड़ में ड्रिप के माध्यम से। ठीक, अब बीच में आते हैं 70 दिन, मतलब रोपाई के 70 दिन बाद जब टमाटर हल्का पकना शुरू हो जाता है, अब उस समय आप ध्यान दीजिएगा कि टमाटर के निचले हिस्सों में सड़न होता है, ठीक, और एक प्रकार का रोग है जिसको अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट देते हैं तो हाँ नहीं होता है, उसके लिए आपको क्या करना है कि रोपाई के 70 दिन बाद आपको कैल्शियम नाइट्रेट 2 kg जो कि हम बेसल डोज में भी दिए थे उसको हम ड्रिप के माध्यम से भी देंगे, कैल्शियम नाइट्रेट को 2 kg ड्रिप के द्वारा चलाएंगे। ठीक, ये तो हो गया। अब आते हैं 90 दिन में, देखिए 90 दिन इसलिए आता है कि 90 दिन तक आपका 2-3 तुड़ाई टमाटर का हो जाता है और खेत में टमाटर धीरे धीरे खाली हो जाता है, उस स्थिति में क्या करना है कि देखिए ग्राफ्टेड टमाटर है इसका समय बहुत लंबा होता है, मतलब लगभग 7 से 8 महीने का, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ 7 से 8 महीने का पौधा है, और इसीलिए हमको इसमें जब चाहे हम न्यूट्रिएंट देते रहेंगे तो ये फल भी हमको देते रहेगा। अभी जो मेरा फील्ड आप देख रहे हैं इसमें क्या है कि अभी रेट नहीं है, अभी रेट बढ़ रहा है तो थोड़ा इसमें काम चलेगा, इसमें पोषक तत्व वगैरह फिर से देंगे, इसीलिए देखिए इसमें घास फूस भरा हुआ है, किसी प्रकार कोई देखभाल नहीं हुआ है, क्योंकि 2 से 3 रुपये बीच में टमाटर हो गया था, अगर अच्छा रेट रहता तो आपको लंबा समय तक आप इसको ले सकते हैं, तो लंबे समय तक आपको पौधा को जिंदा रखने उसके लिए फिर से आपको साइकिल शुरू करना है, जो कि आप शुरू करके 90 दिन से, मतलब रोपाई से 90 दिन जब हो जाएगा 3 माह हो जाएगा उसमें आपको देना है इसमें एनपीके 12:61:0 जो कि हम पहले दिए थे 2 kg, एनपीके 19:19:19 1 kg। ठीक, 92 दिन में फिर क्या करना है, ह्यूमिक एसिड 1 लीटर, मतलब रोपाई के 92 दिनों को क्या करना है, 1 लीटर ह्यूमिक एसिड देना है,
इसी तरह से जो साइकिल पहले चला था उसी साइकिल को आपको आगे चलाना है, ताकि कि आपको पौधा जीवित रहे और लंबे समय तक फल देते रहे। यही सेम प्रोसेस चलते रहेगा जब तक आप फल ले सकते हैं। ठीक, ये भाग होगा फर्टिगेशन का। अब आइए देखिए, आते हैं हम इंसेक्टिसाइड कीटनाशक में। ठीक, टमाटर में अगर बरसात में आप खेती करते हैं तो बहुत ज़्यादा कीट लगता है। ठीक, गर्मी में क्या होता है, अगर आप खेती करते हैं तो कीट का संख्या कम रहता है। अब उसी के आधार पर आपको निर्धारित करना है कि आपको कीटनाशक देना है या नहीं देना है, लेकिन मैं वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सा कीटनाशक आपको देना है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा, देखिए 25 दिन से जैसे आपका पौधा लग गया है, तो पौधा लगने से 25 दिन बाद, मैंने रोपाई के 25 दिन बाद आपको देना क्या है, एडमायर, जिसमें कि इमिडाक्लोपीड 70% WG ओटेबल ग्रेन रहता है, जो कि एक टंकी में 2 ग्राम देना है। और लगभग आपको 15 टंकी, मतलब मान लीजिए जो 15 बोल रहा हूँ, जो 15 लीटर और टंकी है उसके माध्यम से आपको स्प्रे करना है। लगभग 8 से 9 टंकी जरूरत पड़ेगा एक एकड़ में शुरुआत में। और ध्यान आपको रखना है कि अच्छे से पौधा को भिगा देना है, ताकि वो अच्छे से जो कीटनाशक हम दे रहे हैं उसको अवशोषण कर सके। दूसरा हम देंगे 35 दिन बाद, मतलब ट्रांसप्लांटिंग के 35 दिन बाद, जिसमें हम देंगे इंटरपीट, जो कि BSF कंपनी का है, जिसमें पाया जाता है क्लोरफेनापायर 10% SC, जिसको देना है 1 एकड़ में 300 ml, मतलब आपको 1 लीटर पानी में 1.5 ml दवा मिला के स्प्रे करना है। तो लगभग मान लीजिए 20 टंकी स्प्रे करना है। 35 दिन में क्या होता है कि पौधा हरा भरा होता है, बढ़ने लगता है, तो पूरा पौधा को भिगा के देना है। ध्यान रखिएगा आपको 4-5 टंकी स्प्रे नहीं करना है, दवा का मात्रा इतना ही रहेगा 300 ml, लेकिन उसको 200 लीटर पानी में घोल के आपको पूरा पौधा को भिगा के स्प्रे करना, तभी आपको काम करेगा। ठीक, ये तो हो गया। अब देखिए 45 दिन आपको क्या करना है, BSF कंपनी का है, नहीं बायर कंपनी का है ओबेरॉन, जिसमें कि पाया जाता है स्पायरोमेसिफेन 22.9% SC, जिसको आपको क्या करना है 1 लीटर पानी में 1 ml, मतलब 1 ml प्रति लीटर पानी के दर, प्रति लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना, जो कि 1 एकड़ में 200 ml दवा का जरूरत पड़ेगा, मतलब 200 लीटर पानी में मिलाना है आपको। ठीक, इसको स्प्रे करना है। इस तीनों दवा को जो मैं आपको बताया हूँ, एडमायर हो गया, इंटरपीड हो गया और ओबेरॉन हो गया, इसको इसलिए देना है क्योंकि आपके टमाटर में देखिएगा थ्रिप्स लगता है, उसके बाद जो माइट हो गया, माइट लगता है, माइट और थ्रिप्स, इस तरह के जो छोटे छोटे मक्खी है उसको नियंत्रण करने के लिए, उसको रोकने के लिए इस तीनों दवा को आपको अवश्य चलाना है। अगर नहीं चलाएंगे तो आपके कीट में, आपके फसलों में कीट का आक्रमण हो जाएगा, आपका फसल को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसलिए पहले से इस तीनों दवा को 25 दिन में 35 दिन में 45 दिन में 10-10 दिन के अंतराल में इसको चलाना है। इसके बाद है कीट लगने पर, जैसे कि देखिए आपके टमाटर में क्या होता है कि लीफ माइनर लगता है। ठीक, अगर लीफ माइनर लग गया तो उसमें आपको क्या करना है, बहुत ही ज़बरदस्त दवा है जो कि आपका एविसेंट नाम से, सिनिंटा कंपनी का एविसेंट नाम से मार्केट में मिल जाएगा, जिसमें आपका पाया जाता है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% और लिफोनिरन 40% ओटेबल ग्रेन। ठीक, इसको आपको क्या करना है, 30 ग्राम दवा 1 एकड़ में। ठीक, मतलब आपका मान लीजिए एक टंकी में आपको देना है 30 ग्राम दवा 1 एकड़ में, 200 लीटर पानी में 30 ग्राम दवा को घोल के आपको इस्तेमाल करना है। अगर लगता है कीट तभी, लीफ माइनर आपके फसलों में लगेगा तभी इस्तेमाल कीजिएगा। दूसरा होता है फ्रूट बोरर के लिए, अगर फ्रूट बोरर लगता है कि आपका टमाटर फल को छेद रहा है, अभी क्या होता है कि ग्राफ्टेड टमाटर खेती बहुत ही रेजिस्टेंस होता है, फ्रूट बोरर का अटैक नहीं होता, लेकिन बरसात के दिनों में अगर लगता है फ्रूट बोरर, तो आपको क्या करना है, प्रोफेक्स सुपर बहुत ही ज़बरदस्त नागार्जुन कंपनी का दवा है, इसमें आपका पाया जाता है प्रोपेनोफॉस 40%, साइपरमेथ्रिन 4%, बहुत ही ज़बरदस्त दवा है, इसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इंसेक्टिसाइड है, तो कीट के संपर्क पाने से कीट को तुरंत मार देता है। इसको क्या करना है, आपको 1 लीटर पानी में 2 ml दवा मिला के स्प्रे करना है, मतलब 200 लीटर पानी में आपको 400 ml दवा मिलाकर पूरा पौधा को भिगा देना है। इस प्रकार कीटनाशक का नियंत्रण, कीटनाशक का प्रयोग करके कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन नीचे का जो दवा मैं आपको बताया, एबिसेंट और प्रोफेक्स सुपर, जब कीट लगेगा तभी आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। अब आते हैं देखिए हम फफूंदनाशक में। टमाटर एक ऐसा फसल है जिसमें कि फफूंद का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, और इसके द्वारा यर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, विल्ट, मतलब कई प्रकार का रोग लगता है, और उसी को नियंत्रण करने के लिए मैं शेड्यूल बनाया हूँ जो कि किसानों द्वारा उपयोग किया जाता है, मेरे खुद के खेत में मैं इसको प्रयोग भी करता हूँ।
तो उसको मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दो दिन में, मतलब जब रुपाई करेंगे, रुपाई के दो दिन बाद हम इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो दो दिन, दूसरे दिन हम क्या करेंगे, इलाइट नाम का जो दवा आता है उसमें आपका पाया जाता है फोसेटाइल एल्युमिनियम 80% WPO टेबल पाउडर, जिसको कि आपको 250 ग्राम ड्रिप में चलाना है। जैसे आज हम पौधा को लगाए तो दो दिन बाद हम तीसरे दिन में क्या करेंगे, इस एलाइट को ड्रिप के माध्यम से 250 ग्राम दवा को ड्रिप के माध्यम से चलाएंगे, ठीक। फिर 12वें दिन पे हम क्या करेंगे, रिडोमिल गोल्ड, ठीक। रिडोमिल गोल्ड को हम क्या करेंगे, जिसमें कि आपका मेटालेक्सिल और मैंकोजेब पाया जाता है, जिसको आपको 250 ग्राम दवा लेना है एक एकड़ के लिए, ठीक। 250 ग्राम दवा को आपको टंकी में, जो टंकी होता है स्प्रे टंकी, उसमें अच्छे से घोल लेना है और लगभग एक टंकी में 25 ग्राम दवा डालना है। एक टंकी 25 ग्राम दवा डालकर अच्छे से घोल के ड्रेंचिंग करना है, मतलब एक एक पौधा के पास जाके हल्के मात्रा में उसको क्या करना, नोजल को ढीला कर लीजिएगा और छोड़िएगा, मतलब लगभग 10 से 15 ग्राम दवा, 10 से 15 ml जो घोल है वो पौधे के जड़ में जाए, तो इससे क्या होगा कि जड़ के आसपास यह दवा फैल जाएगा, ठीक। फिर 20 दिन, मतलब 20 दिन रुपाई के 20 दिन के बाद फिर क्या करना, फिर से लाइट को क्या करना है, हमको एक बार फिर से 250 ग्राम चला देना है। फिर आते हैं 30 दिन में, 30 दिन मतलब रुपाई के 30 दिन में हमको क्या करना है, फॉलिक्योर, जिसमें कि टिबेकुनोलोजन 25.9% इसी पाया जाता है, इसको क्या करना है, एक टंकी में 30 ml दवा को घोल के पौधों को अच्छे से नहला देना है। जैसे कि मान लीजिए एक लीटर, एक एकड़ में लगभग 200 लीटर पानी की जरूरत पड़ता है, तो 200 लीटर पानी को आप उसमें दवा को घोलना है और अच्छे से भिगा के आपको स्प्रे करना है। आप ये नहीं कीजिए कि 4-5 टंकी घोल लिए और स्प्रे कर दिए, तो इस प्रकार से नहीं करना है आपको। 200 लीटर का नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम 150 लीटर, जैसे कि मान लीजिए 10 टंकी, कम से कम 10 टंकी दवा आपको एक एकड़ में स्प्रे करना है। इसका आ जाते हैं हम 40 दिन में, रुपाई के 40 दिन बाद। उस 40 दिन में हम क्या करेंगे, जंप्रो नाम का दवा मिलता है, जिसमें आपको पाया जाता है एमेटोक्रेडरिन 27% तथा डाइमेथोमॉर्फ 20.2% SC, जिसको क्या करना है, 40 ml दवा एक टंकी में, मतलब एक टंकी में 40 ml दवा मिला के आपको स्प्रे करना, लगभग 10 टंकी दवा इसमें भी आप ले सक लीजिएगा, कम से कम 10 टंकी लीजिएगा, लेके अच्छे से पौधों को भिगा देना है, ठीक। इसके बाद आते हैं हम 50 दिन में, 50 दिन बाद क्या करना है आपको, BSF कंपनी का ही दवा है कार्बियोटॉप, जिसमें आपका पाया जाता है मेटीरियम 55% और पाइलाक्रोट्रोबिन 5% वोटेबल ग्रेन, जिसको क्या करना है कि 1 लीटर पानी में 1.5 ग्राम दवा को घोल के स्प्रे करना है। इसको भी आप लगभग 10 टंकी, कम से कम 10 टंकी मैं बता रहा हूँ, आपको स्प्रे करना है। तो ये होगा हमारा फंजीसाइड। देखिए फंजीसाइड हम इसीलिए शेड्यूल से कर रहे हैं कि दूसरा दिन करना है, फिर 12वें दिन, फिर 20वें दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, इसको आप किसी भी हाथ में स्प्रे कर ही देना है। आप रोग का इंतजार नहीं कीजिए, रोग का अगर इंतजार करेंगे तो आपका फसल नष्ट हो सकता है, इसलिए पहले से इसको स्प्रे कर देना है। इसी दवा को अगर इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होगा, टमाटर आपका झुलसा भी बच जाएगा, अर्ली ब्लाइट नहीं होगा, लेट ब्लाइट नहीं होगा, विल्ट नहीं लगेगा, ठीक। अब आते हैं हम स्टेकिंग। जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो लगा हुआ है, आपको दिखा रहा हूँ खूंटा, इस खूंटा को लगाने में कैसे लगाना और कैसे आप इसका कितना खर्च होता है। देखिए एक एकड़ में आपको लगभग 700 बांस का खूंटा चाहिए, जो कि आप 4 फीट के अंतराल पर लगाएंगे। जैसे गर्मी का दिन है तो मिट्टी मजबूत रहता है, इसी आप दूरी पर दे सकते हैं, लेकिन बरसात में अगर करें तो कम से कम 700 खूंटा आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक। अब केंट आपको लगभग 8 kg केंट चाहिए, ठीक। केंट मतलब समझ सकते हैं जो नीला तार होता है, देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, ये प्लास्टिक का तार होता है, काफ़ी मजबूत होता है, उसी पर हम सुतली को बांधते हैं। और सुतली 10 kg, जो हम क्या करते हैं कि पौधा में सुतली को बांधते हैं फिर ऊपर उसको लटका देते हैं, वही सुतली होता है जिसको 10 kg एक एकड़ के लिए ज़रूरत पड़े। हो सकता है ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ेगा, पौधा आपका बहुत ही अच्छा है तो ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ सकता है। ये तो होगा हमारा पूरा काम, ठीक। अब हम बताएंगे खर्च के बारे में कि किसमें कितना खर्च हुआ है। एक बार मैं फिर से पढ़ते जाऊँगा, देखिएगा, आप नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो रेट बता रहा हूँ ये अनुमानित रेट नहीं है, मतलब मैं सबसे कम दर, मतलब इस रेट पर आपको मिल जाएगा मार्केट में, ठीक। कहीं के अगर आपको ज़्यादा भी ले रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि नहीं इस रेट में सामान मिलता है तो आप उस रेट में ले सकते हैं, इसलिए आप नोट कर लीजिएगा। शुरुआत हम करेंगे, देखिए सबसे पहले खाद और उर्वरक से, देखिए नहीं खाद और उर्वरक, सबसे पहले हम करेंगे जुताई से।
जुताई में देखिए हम क्या किए थे कि रोटावेटर एक घंटा चला था इसका 1000, कल्टीवेटर एक घंटा चला था 1000, रोटावेटर फिर से चला था 1 घंटा 1000, मेड़ तैयार करने में 2000, मतलब कुल हमारा खेत की तैयारी में 5000 का खर्च हुआ था। खाद और उर्वरक, खाद और उर्वरक में क्या हुआ था, FIM लिया था 1500, पोल्ट्री फार्म मैन्यूल लिया था 2200, DAP 1800, SSP 3350, MOP 600, जिप माइट जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर जिंक बुरान है 25 kg 550 रुपया, ठीक, कैल्शियम नाइट्रेट 2 kg 260 रुपया, निमेटीसाइड 1 kg 440 रुपया, ब्लिंचिंग पाउडर 5 kg 400 रुपया, ठीक। इस प्रकार कुल हमारा जो खाद और उर्वरक है उसमें हमारा खर्च हुआ है 8100 रुपया, ठीक। अब आते हैं ड्रिप सेटिंग में, ड्रिप सेटिंग में 30000 और मल्चिंग में 7000, मतलब ड्रिप और मल्चिंग लगाने हमको खर्च हुआ कितना, 37000। यही एक चीज़ है जिसको आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ तो आपका इनपुट लग जाएगा, ठीक। अब पौधा देखिए, पौधा हमारा 3200 पौधा लगेगा जिसको हम तैयार करवाएंगे, उसमें आपको 32000 खर्च होगा, ठीक। अब आते हैं फर्टिगेशन, फर्टिगेशन में देखिए सबका अलग अलग रेट है, जैसे जो NPK 12160 हम प्रयोग किए थे वो 2 kg का पड़ेगा 460 रुपया, NPK 1919 का पड़ेगा 1 kg का 150 रुपया, ह्यूमिक एसिड का पड़ेगा आपका आधा लीटर का 500 रुपया, ठीक। इस प्रकार तो फिर से हो गया, आप जो सल्फर थायनोट्री सल्फर के बारे में बात किए थे 1 kg का 250 रुपया, ठीक। फिर जो हमारा आया था आपका 05234 2 kg का 520 रुपया, ठीक। पोटेशियम नाइट्रेट जो कि 13045 2 kg का 300 रुपया, ठीक। जो लियोसिन जिस दवा के बारे में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है लियोसिन BSF कंपनी का, ये 250 ml पड़ा था आपको 350 रुपया, ठीक। NPK 0050 जिसका खर्च पड़ा था आपका 130 रुपया, कैल्शियम नाइट्रेट 2 kg का पड़ा था 260 रुपया, ठीक। ह्यूमिक एसिड 1 लीटर का 1000 रुपया, मतलब कुल जो हमारा फर्टिगेशन में हम जो खर्च किए हैं वो 7890 रुपया, ठीक। कीटनाशक में इसी तरह से, कीटनाशक में एडवायर में हमारा 200 रुपया लगा था, इंटरप्यूट में 1300 रुपया लगा था, ओबेरॉन बायर कंपनी जिसमें 1130 रुपया लगा था, अगर एविसेंट का प्रयोग करते हैं तो 1060 रुपया, प्रोफेक्स सुपर का प्रयोग करते हैं तो 400 रुपया। तो सभी दवा का अगर इस्तेमाल करते हैं आप पांचों प्रकार का इंसेक्टिसाइड का, तो आपका खर्च होगा 5090 रुपया। अब आते हैं हम फंजीसाइड में, फंजीसाइड में हमारा कितना खर्च हुआ, तो फंजीसाइड में देखिए हमारा खर्च हो गया है आपका, टोटल फंजीसाइड में खर्च हो गया हमारा 4840 रुपया। इस प्रकार स्टेकिंग में जो हम खर्च बताए कि 700 बांस लगेगा, तो 8 रुपया करके बांस का पीस है तो 5600 रुपया, ठीक। केंट 8 kg का 140 रुपया करके 1120 रुपया, 10 kg सुतली का 100 रुपया करके आपका 1000 रुपया, मतलब 7720 रुपया आपका स्टेकिंग में। ये तो हमारा टोटल खर्च हो गया। अब देखेंगे कि लेबर खर्च कितना हमारा लगा था। देखिए जो लेबर हम खर्च किए थे, लेबर आपको कहाँ का लगाना, उसमें कैसे कैसे खर्च होगा, जो खाद उर्वरक डालने में हम क्या किए थे, 2 लेबर लिए थे जिसमें 300 रुपये करके 600 रुपया, पौधा लगाने में हम 4 महिला मजदूर लिए थे जिसमें कि 250 रुपये करके दिए थे 1000 रुपया, कीटनाशक स्प्रे हम पुरुष मजदूर से करवाए थे जिसमें कि 4 कीटनाशक के लिए हम 4 मजदूर लिए थे जिसमें कि हमारा 1200 रुपये खर्च हुआ, फफूनाशक में 6 मजदूर लिए थे जिसमें कि हमारा 1800 रुपये खर्च हुआ, जो स्टेकिंग हम खूटा गड़वाए थे और तार बंधवाए थे उसमें हमारा स्टेकिंग जो खूटा गड़वाए थे उसमें 4 लेबर लिए 300 रुपये करके 1200 रुपया, ठीक। जो केंट हम बंधवाए थे उसमें 2 लेबर लिए थे 300 रुपये 600 रुपया, जो धागा हम महिला मजदूर से बंधवाए थे उसमें 250 रुपये करके 4 महिला मजदूर का 1000 रुपया, मतलब कुल हमारा लेबर में खर्च हो गया 7400 रुपया। अब हम फाइनल आपको बता देंगे पूरा वीडियो का सामरी कि कुल कितना खर्च हुआ और किस में खर्च हुआ। सबसे पहला जो खर्च हुआ हमारा खेत को तैयारी करने में 5000 रुपया, ठीक। ड्रिप और मिल्चिंग में हमारा लग गया 3700 रुपया, पौधा में लग गया 32000 रुपया, सॉरी बता रहा हूँ, जो ड्रिप मल्चिंग में 37000 खर्च हुआ है, मतलब फिर से बता रहा हूँ आपको, जो खेत तैयारी की उसमें 5000 रुपया, ड्रिप मल्चिंग में हमारा खर्च हो गया 37000 रुपया, पौधा हमारा खर्च हो गया 32000 रुपया। इस प्रकार जो हम फर्टिगेशन में जो पोषक तत्व का इस्तेमाल किए थे उसमें हमारा खर्च हुआ 7890 रुपया, और कीटनाशक में हमारा खर्च हो गया 5090 रुपया, फफूनाशक में खर्च हुआ 4840 रुपया, स्टेकिंग में जो हम झांकी तैयार किए थे जो स्टेकिंग लगवाए उसमें खर्च हुआ 7720 रुपया, और लेबर जो शुरू से अंत तक जो हम लेबर जहां तक लगा, मतलब तुड़ाई से पहले, हार्वेस्टिंग जो करें उसमें तो अलग लेबर लगता है, लेकिन हार्वेस्टिंग से पहले तक जो लेबर हमारा लगा 7400 रुपये का लेबर लगा। इस प्रकार जो हमारा कुल खर्च हुआ जो कि हम वीडियो के टाइटल में बताए हैं 1,06,940 रुपया। तो दोस्तों देखिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही मेहनत से हम वीडियो को तैयार किए हैं, हम अच्छे से इसका सामरी निकाले, कई किसानों से जानकारी लिए, मेरे खुद का खेती का अनुभव भी इसमें हम शेयर किए हैं कि क्राफ्टेड टमाटर की खेती कैसे किया जाता है, ठीक।
और ग्राफ्टेड टमाटर की खेती करने में कुल कितना खर्च होता है। अब रही बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जिसमें कि एक चीज़ छूट गया है, वैरायटी के बारे में। अगर आप बरसात में ग्राफ्टेड टमाटर खेती करते हैं तो नाथ सीड्स का, मतलब नाथ कंपनी का सीड है अखंड 1912, बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है, जो कि पिछले साल लगाया हुआ, तो उसका एक वीडियो मेरे चैनल में अपलोड भी है, ग्राफ्टेड टमाटर की खेती, आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। उसमें टमाटर पूरा फला हुआ है और एक एकड़, मतलब एक एकड़ भी नहीं, 80 डिसमिल टमाटर लगाए थे, जिसमें कि 5 लाख का आमदनी हुआ है, मतलब लगभग 6 लाख का बेचे थे और जिसमें 5 लाख शुद्ध आमदनी हुआ है, ठीक। लेकिन गर्मी में कौन सा वैरायटी लगा, गर्मी में अभी जो फील्ड में लगा हुआ है यह है रुक्मणी नाम से, आपको हाइब्रिड वैरायटी है, इसको लगा सकते हैं। एक इसका खासियत यह है कि टमाटर वजन बहुत अच्छा है और इसका कवर बहुत ही मोटा है, इसमें किसी प्रकार कोई कीट नहीं लगता है। दूर में इसको आप ट्रांसपोर्टिंग भी कर सकते हैं, बोरा में बांध के ले जा सकते हैं, टमाटर जल्दी नहीं गलता है। तो दोस्तों, आज जो हम जानकारी आपको दिए हैं कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया, आपके लिए उपयोगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके आसपास, आपके रिश्तेदारों में, आपके अन्य किसानों में इसको शेयर भी कीजिएगा। आप शेयर कैसे कर सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के द्वारा भी शेयर कर सकते हैं। चलिए, इसी तरह का वीडियो लेकर आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।